हाय फ्रेंड्स, केबी कॉमर्स नोट्स में आपका स्वागत है। तो ये है हमारी चैनल का नाम, केबी कॉमर्स नोट्स। हमारा लिमिट का पार्ट 9 आ गया है दोस्तों। हम लास्ट यानी कि ये वाली मेथड आज करवाने वाले। मॉड्यूल्स क्या होते, इंटरवल क्या होते, इंटरवल और नेबरहुड क्या होते, मॉड्यूल्स एंड नेबरहुड क्या होते। फैक्टराइजेशन मेथड के 3 वीडियोस है। डिस्क्रिप्शन में ये सब वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो फैक्टराइजेशन मेथड जरूर देखिए बिकॉज ये बेसिक है। उसके बाद फॉर्मूला मेथड सीखिए, प्रिंसिपल मेथड सीखिए, टेबुलर मेथड सीखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा 12th कॉमर्स में काम में आएगी ये वाली मेथड। मॉड्यूल्स एंड इंटरवल्स सीखिए, अभी जो मैं सिखाऊंगा। इंटरवल्स एंड नेबरहुड सीखिए और मॉड्यूल्स और नेबरहुड सीखिए। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स, इंटरवल्स और नेबरहुड। सबका अलग अलग फॉर्मूला है। तो हम जैसे कि आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से आज करवाते। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन इसमें हमको फाइंड करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूल्स एंड इंटरवल फॉर्म। ये जो वैल्यू हमको दी है उसको किसके फॉर्म में लिखना है? मॉड्यूल्स फॉर्म में लिखना है, यहाँ लिखा है मॉड्यूल्स फॉर्म में लिखना है, और दूसरा किसके फॉर्म में लिखना है? इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो ये 0.4 दिया है। तो ये मॉड्यूल्स और इंटरवल में क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 दिया है। तो ये जो 4 वैल्यू दी है उसे हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। तो ए इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 4 ले ले। और ये जो 0.4 लिए इसे थीटा मानेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 0. क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0.4। अब मेरे को ये बताएंगे कि ये मॉड्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन, क्या लिख दूंगा? मॉड्यूल्स। क्या लिख देंगे? मॉड्यूल्स फॉर्म। मॉड्यूल्स फॉर्म, तो मॉड्यूल्स फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, मॉड्यूल्स फॉर्म में फॉर्मूला याद रखना। तो मॉड्यूल्स फॉर्म का फॉर्मूला है x माइनस ए, वो भी मॉड्यूलस में, x माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा? x माइनस ए लेस देन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन थीटा हो जाएगा। इन मॉड्यूल फॉर, इसको एन भी लिख सकते हम। यहाँ क्या लिख सकते? ए इंटू थीटा लिख सकते। क्या लिख सकते? ए इंटू थीटा। तो ये मॉड्यूल्स फॉर्म में आ गया। अब ये एक्स का तो हम क्या रखेंगे दोस्तों? एक्स का तो सर हम एक्स ही रखेंगे। ए यानी क्या रख देंगे सर? 4 रखेंगे। फिर मॉड्यूल्स क्लोज हो जाएगा। लेस देन का लेस देन। थीटा यानी सर कितना रखेंगे? थीटा यानी सर 0.4 रखेंगे। ये हमारा आ गया मॉड्यूल्स फॉर्म में। दूसरा हमको कौन सा फॉर्म लाना है? इंटरवल फॉर्म्स। तो यहां लिखेगी इन, क्या लिख देगी? इंटरवल फॉर्म्स। तो इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, सेम टू सेम। इंटरवल का फॉर्मूला है ए माइनस थीटा और ए प्लस थीटा। ए माइनस थीटा यानी क्या लिख देंगे? ए यानी 4, माइनस थीटा यानी 0.4। ए प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा? 4 प्लस क्या लिख देंगे? 0.4। 4 माइनस 0.4 यानी 3.6। 4 प्लस 0.4 यानी क्या हो गया? 4.4। क्या हो जाएगा? 4.4। तो ये दोस्तों क्या था, हमने मॉड्यूल्स फॉर्म और इंटरवल फॉर्म में लिखा है। याद रखना, मॉड्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ई मॉड्यूलस में लेस देन थीटा, और इंटरवल फॉर्म में क्या होता है? ए माइनस थीटा और दूसरे में ए प्लस थीटा। दोनों ब्रैकेट क्या कर देंगे? ओपन और क्लोज। सेम टू सेम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम सर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो सर ये दिया है, इसे पॉइंट वाला ऑलवेसली थीटा होता है, तो थीटा 0.001। और इसे क्या बोल देंगे? ए। माइनस में आया तो सर फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं, फॉर्मूला सेम ही लिखेगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिख देंगे? इन मॉड्यूल्स फॉर्म। क्या लिख देंगे? इन मॉड्यूल्स फॉर्म। फॉर्मूला जो आता है वही लिखेंगे, एन
इंटू थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लेस देन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए लेस देन थीटा। अब एक्स का एक्स माइनस का माइनस ए, यानी सर पहले से माइनस वन है तो यहां भी माइनस वन कर दो, ब्रैकेट क्लोज, लेस देन क्या हो जाएगा थीटा। माइनस माइनस सर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वन लेस देन क्या हो गया थीटा। तो इन मॉड्यूल फॉर्म ये क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। सेकंड इंटरवल फॉर्म में लिखना है इसे, हाँ लिख देते तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरवल फॉर्म में क्या लिख देंगे सर, इंटरवल फॉर्म में आपने बताया ऐसा ए माइनस थीटा और ए प्लस थीटा। ए माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, ए यानी माइनस वन, थीटा यानी क्या हो जाएगा -0.001, यहाँ पे कॉमा, ए प्लस थीटा यानी 0.001 माइनस क्या हो जाएगा वन। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस, तो साइन तो माइनस की आएगी तो -1.001, एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा क्या हो जाएगा -0.12, और 10 में से 1 जाएगी तो कितने बचेंगे 9, तो यहाँ पे कितना लिख दो 9। तो ये हमारा आंसर आ गया इंटरवल फॉर्म का फर्स्ट एंड सेकंड सम में। उसी तरह मेरा फॉर्म में थर्ड सम, सर ये तो जीरो वाला है तो बहुत ही मजा वाला काम है दोस्तों। ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0.05। अब क्या लिखेंगे, इन इंटरवल फॉर्म इज इक्वल टू क्या लिख देंगे सर, बहुत आसान है, ब्रैकेट में एक्स माइनस ए लेस देन थीटा। एक्स माइनस ए यानी एक्स का ए का 0 सर, थीटा का 0.05, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में सर एक्स लेस देन 0.05। उसी तरह इन दूसरा क्या हो जाएगा, ओहो ये हमारा मॉड्यूल्स था दोस्तों, क्या था मॉड्यूल, सॉरी फॉर दैट, ये था MODULUS मॉड्यूल्स, क्या था मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल्स करा है ना हमने, तो ये हमारा क्या था मॉड्यूल्स था। अब क्या लिखेंगे, इन इंटरवल फॉर्म क्या लिख देंगे, इन इंटरवल फॉर्म, तो इंटरवल फॉर्म में क्या आ जाएगा ए माइनस थीटा ए प्लस थीटा, यहाँ तो ए 0 है सर, थीटा 0.05 है। ए प्लस थीटा में क्या लिखेंगे दोस्तों सर, सिंपल ए यानी कितना है, ए यानी 0 है, थीटा यानी 0.05, तो 0 में से माइनस करोगे तो -0.05, और यहाँ +0.05, ये दो आंसर हमारे आएगी। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था, क्या था हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसमें उसके बाद वाला सीखते हम, उसके बाद वाला क्या है सर, यहाँ तो पहले मॉड्यूल्स दिया ही है, तो फाइंड क्या करना है सर, फाइंड करना है इंटरवल और नेबरहुड फॉर्म, तो इंटरवल और नेबरहुड फॉर्म फाइंड कर देते हैं। चलो दोस्तों, तो इंटरवल और नेबरहुड फॉर्म में क्या करेंगे सर, सिंपल, ये एक्स माइनस ए दिया है तो ए इज इक्वल टू 2 dI, और थीटा इज इक्वल टू 0. क्या दिया है सर, 0.1 दिया है, थीटा इज इक्वल टू सर क्या दिया है 0.01 दिया है। तो सर हम क्या लिखना है, पहले तो सर इंटरवल फॉर्म में करेंगे, तो यहां लिख देता हूं इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे सर, बहुत ही आसान लिखेंगे ना, इंटरवल फॉर्म यानी तो बहुत आसान होता है, क्या होता है एक्स माइनस ए और दूसरा क्या हो जाता है एक्स प्लस ए हो जाता है, क्या हो जाता है, अरे सॉरी, ए माइनस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस थीटा हो जाएगा। ए यानी 2 -0.01 और यहाँ 2 +0.01, 2
माइनस 0.01 यानी क्या हो जाएगा 1.99 और यहाँ 2.01 हो जाएगा। ये कौन से फॉर्म में हो गया? इंटरवल फॉर्म में हो गया। नेबरहुड फॉर्म में तो बहुत आसान तरीके से है, इन नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म में तो क्या है दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। नेबरहुड फॉर्म में पहले एन लिख दो, फिर ए लिख दो और फिर थीटा, ये नेबरहुड फॉर्म हो गया। नेबरहुड का एन, ए यानी 2, थीटा यानी 0.01, ये आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया, ये नेबरहुड फॉर्म में हो गया, बहुत आसान है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों, इसमें प्लस दिया है तो आंसर क्या है? पहले यह इसके साथ कंपेयर करने का, एक्स माइनस ए लेस देन थीटा के साथ। अब यहां देखो प्लस दिया है तो ए का आंसर क्या होगा? सर ए का आंसर -3 होगा। क्या होगा? -3। और थीटा का आंसर 0.15 होगा। थीटा का आंसर क्या होगा सर? 0.15 होगा सर। तो हम क्या करेंगे सर, हम सर पहले इंटरवल फाइंड करेंगे। इन इंटरवल फॉर्म क्या लिख देंगे? इन इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे सर? ए माइनस थीटा और ए प्लस थीटा। ए माइनस थीटा यानी सर -3, थीटा यानी -0.15, यहाँ -3, थीटा यानी +0.15। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है सर 3.15। यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है 2.75। क्या हो जाता है? 2.75 हो जाता है दोस्तों। 85 भाई, अब कमेंट्स कर दो। 2.85, 15 यानी 2. कितना हो जाएगा? 85। इन नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म में क्या लिखेंगे सर? सिंपल है, इज इक्वल टू एन ए इंटू थीटा। ए यानी कितना होता है सर? ए यानी है सर -3, थीटा यानी सर है 0.15। तो ये हो गया नेबरहुड फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? नेबरहुड फॉर्म। बहुत ही आसान है ये वाला तो सर, क्या है, बहुत ही आसान है नेबरहुड फॉर्म बनाना। ये तो इजी है सर, आसानी से हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हम करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मॉड्यूल्स एंड नेबरहुड। इसमें हम मॉड्यूल्स यानी एक्स माइनस ए वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख देते सर ये क्या है? तो ये है सर ए माइनस थीटा और ये क्या है? ए प्लस थीटा। यानी कि सर ये कौन से फॉर्म में? तो ये सर फॉर्म में है, हमने बताया था इंटरवल, ये इंटरवल, ये आगे वाला इंटरवल है, ये पीछे वाला इंटरवल है। तो सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए सिंपल, ए माइनस थीटा इज इक्वल टू 3.8 और यहाँ ए प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 4.8। दोनों का एडिशन कर दो, ए प्लस ए कितना हो गया? 2a, ये कैंसल, ये दोनों का 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, 1 कैरी, 3 और 4 7 और 1 8, 8.6। तो ए डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.6 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 4.3 आया। ए इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 4.3 आ गया। वो आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन किस में रख सकते हो? 2 में भी रख सकते हो, आपको जहां रखना है वहां पे रख सकते हो। मैं 1 में रख देता हूँ, ये वाला, ये 1 है ये 2 है। तो ए माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 3.8, ए की जगह 4.3 रख दो। माइनस थीटा इज इक्वल टू 3.8, ए थीटा उस साइड, 3.8 इस साइड, तो 4.3, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, 4.3 माइनस 3.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। और या 3 करना पड़ेगा, 10 13
13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 0.5 सर, कितने बचेंगे 0.5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0.5, ये हमारा थीटा का आंसर आया। अब सेम क्या फाइंड करना है, मॉड्यूल्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का क्या होता है, एक्स माइनस ई लेस देन क्या हो जाता है थीटा, तो x माइनस ए यानी 4.3 लेस देन थीटा यानी 0.5। फिर क्या फाइंड करना है, नेबरहुड, नेबरहुड, चलो सर नेबरहुड फाइंड कर देते, तो नेबरहुड में क्या लिख देंगे सर, सिंपल n इंटू ए इंटू थीटा, तो a इंटू थीटा, a यानी कि 4.3, थीटा यानी 0.5, ये मेरा आंसर, ये मेरा क्या है आंसर। तो बहुत ही आसान आंसर था, बस ये जो सब्लिमेशन मेथड यूज की है वो आपको 10th में सीखी हुई होनी चाहिए, अगर तो ये मेथड आपने 10th में नहीं सीखी है दोस्तों तो बड़ी तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि यही मेथड सीखने के तो पैसे है। चलो अब यहाँ थोड़ा मैं आगे से चालू करता हूँ, a माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.8, और यहाँ a प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ ओ मैं कहाँ से लाता हूँ ये सब, 0.4, वो भी माइनस में, और यहाँ पे क्या है प्लस में 1.4, तो ये प्लस करो, a प्लस a यानी 2a, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 4 जाएगी 0, 1.0, तो a इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू आएगा सर 0.5, a इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0.5। इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन किस में रख दो 1 में, तो सर सिंपल है a माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.4, क्या आया है माइनस 0.4, तो a की जगह ये रख दो 0.5 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.4, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो 0.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू सर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू सर हम क्या लिखेंगे, तो सर थीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे 0.9, पाई और 9 कितना होता है 9 ही होता है ना, पाई और 4 9 ही होता है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 0.9। मॉड्यूल्स हम लिखेंगे सर ब्रैकेट में एक्स माइनस ए लेस देन थीटा, ए यानी कितना दिया है 0.5 लेस देन थीटा यानी कितना दिया है 0.9, सिंपल। दूसरा सर नेबरहुड, चलो भाई हुड, नेबरहुड कितना है, नेबरहुड सर एन ए और थीटा, तो n का n दोस्तों, a यानी क्या है, a यानी सर है हमारा आंसर 0.5, और थीटा यानी कितना है, थीटा यानी सर है 0.9, क्या है 0.9, तो ये हमारा था आंसर दोस्तों। तो आज हमने क्या सीखा, पहले एक बार उसका आंसर बता देते हैं, तो आज हमने सर ये पहले तो मॉड्यूल सीखा बराबर है सर, उसके बाद हमने इंटरवल सीखा, उसके बाद हमने नेबरहुड सीखा, यहाँ पीछे मैं अपना मॉड्यूल्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ सर, मॉड्यूल्स का फॉर्मूला होता था x माइनस ए लेस देन थीटा, इंटरवल का फॉर्मूला होता था a माइनस थीटा और a प्लस थीटा, और दूसरा क्या बच गया नेबरहुड, सर नेबरहुड का फॉर्मूला होता था n a इंटू थीटा, ये तीन फॉर्मूला आपको क्या करने है दोस्तों याद रखने, तीन फॉर्मूला याद रखोगे तो ये तीन मेथड आ जाएगी, मॉड्यूल्स एंड इंटरवल, इंटरवल एंड नेबरहुड, मॉड्यूल्स एंड नेबरहुड, आगे पीछे ऊपर नीचे सब है, तो ये तीनों के तीनों मेथड मैंने कौन से एक ही वीडियो में बता दी, एकदम शॉर्ट में बहुत बड़ा नॉलेज आपको क्या कर दिया है, दे दिया है। अब आप उसको किस तरह यूज करते हो वो किस पे डिपेंड है, पूरा का पूरा सर हम पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड होगा। चलो तो आगे का हम सम्स करते हैं,
आगे का सम सम को करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर में के फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। जबरदस्त है सर आंसर के और फोर। चलो सर फाइंड कर लेते, कोई बड़ी बात हमारे लिए थोड़ी है। पहले तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सर ए बोलेंगे, तो ए इज इक्वल टू थ्री दिया है। और इसको क्या बोलेंगे सर, इसको थीटा बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू बी दिया है। ये क्या दिया है सर, ये ए माइनस थीटा और ए प्लस थीटा दिया है, और क्या दिया है, ये क्या दिया है, ए माइनस थीटा दिया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए माइनस थीटा इज इक्वल टू 2.95। और ये क्या दिया है सर, ए प्लस थीटा दिया होगा, और क्या दिया होगा, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के। सर अब ये ए की वैल्यू यहाँ रख दो तो आंसर मिल जाएगा, ऐसा है भाई, रख देते ए माइनस थीटा इज इक्वल टू 2.95, तो हमको थीटा का आंसर मिल जाएगा सर, डेफिनेटली कर लेते। ए यानी 3 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2.95, तो ये 3 कहाँ चला जाए, ये 2.95 इधर लाओ, थीटा को उस साइड ले जाओ, तो 3 माइनस 2.95, प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 में से 2.95 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा सर, 3 में से 2.95 जाएंगे तो बचना तो सर चाहिए 0.05। कितना बचना चाहिए, 0.05 लिख देते दोस्तों। 0.05 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। पर यहाँ थीटा इज इक्वल टू बी दिया है तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, बी। तो बी का आंसर भी हमारे पास सर आ गया 0.05, बहुत ईजी है, बी का आंसर क्या आ गया 0.05। सर बी का आंसर आया तो के का भी आ जाएगा, कैसे, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू सर के बराबर, इतना समझे सर, हाँ सर समझे, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू के है। ए कितना दिया है सर, ए 3 दिया है सर। थीटा कितना है सर, थीटा की जगह तो बी लिखेंगे ना, तो बी लिख दो के, तो सर 3 का 3 सर, बी की जगह ये रहा ना 0.05 इज इक्वल टू क्या लिखेगी, के लिखेंगे सर, और क्या लिख सकते, तो 3 प्लस 0.05, तो सर 3 प्लस 0.05 यानी क्या हो जाएगा सर 3.05। ये हमारा सर क्या आ गया, के आ गया, बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है सर, लेकिन जो पढ़े उसके लिए आसान है, नहीं पढ़े उसके लिए क्या है, उसके लिए तो भाई साहब मुश्किल ही मुश्किल है। लास्ट सम हमारी ये वीडियो का, ये वीडियो का लास्ट सम है। ओ तेरी, ये तो K1 K2 आ गया, ये क्या दिया है सर, ए, ए इज इक्वल टू सर क्या दिया है, थीटा, अरे पागल चंद, ए इज इक्वल टू 10 दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 10 दिया है। बी इज इक्वल टू क्या, अरे थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है सर, थीटा इज इक्वल टू K1 दिया है। और ये सर क्या है, जैसे आगे फाइंड किया था a माइनस थीटा इज इक्वल टू K2 और a प्लस थीटा इज इक्वल टू 10.01, क्या दिया था 10.01। अब हमको सर क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है K1 और K2 की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इस बार ये वाला उठाता हूँ बराबर, तो K1 की वैल्यू मेरे को मिल जानी चाहिए, a प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10.01 होना चाहिए, ये हमारा आंसर है, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10.01। एक का आंसर क्या है सर, एक का आंसर 10 है, थीटा का आंसर क्या है सर, K1 है, 10.01 का क्या हो जाएगा, 10.01 हो जाएगा, ये 10 उस साइड, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.01 माइनस 10, 10.01 यानी क्या हो जाएगा सर, 10 में से 10 गए सर 0, पॉइंट का क्या हो जाएगा, पॉइंट, और पीछे क्या बचा 0.1। ये सर आंसर आ जाएगा हमारा K1 का, किसका आंसर आ जाएगा सर, K1 का आंसर आ जाएगा। अब क्या बचा, तो अब हम सर बचेंगे a प्लस थीटा, ये तो हमने कर दिया सर, तो हम a माइनस थीटा ये वाला करते, a माइनस थीटा इज इक्वल टू हम क्या सर करेंगे, K2 करेंगे, ए यानी सर 10 एज इट इज, थीटा यानी एज इट इज क्या लिख देगी, K1 सर,
के टू का आंसर क्या लिखेंगे सर? के टू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 10 माइनस K1 यानी सर आ गया हमारे पास 0.01 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? K2। 10 में से 0.01 माइनस करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 9.99। क्या आएगा सर? 9.99। 10 में से 0.01 माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 9.99। ये हो जाता है K2 सर। ये किसका आंसर हो जाता है? K2 सर हो जाता है। और किसका आंसर होता है सर? किसका आंसर होता है? K2 का आंसर होता है सर। तो इसी के साथ हमने दोस्तों लिमिट का सब के सब चैप्टर हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। देखो मैं आपको बता देता हूं, पहले मैंने क्या करवाया? फैक्टराइजेशन मेथड करवाया। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने सबसे ज्यादा टाइम लगाया। कितना टाइम लगाया दोस्तों? सर आपने टाइम लगाया 3 लेक्चर का। क्यों लगाया? क्योंकि ये बेसिक था। बेसिक सबसे पक्का होगा, बोलते हैं ना इमारत का बेस पक्का होगा तो इमारत कितनी भी ऊंची हम क्या कर सकते? बना सकते। फिर हमने कौन सी मेथड पढ़ी? फॉर्मूला मेथड पढ़ी। फिर हमने सर कौन सा मेथड पढ़ा? सर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ी। तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमने 2 लेक्चर लगाए क्योंकि उसमें सम्स थे वो क्या थे? बहुत बड़े बड़े थे। सर फिर हमने कौन सी मेथड पढ़ी? तो हमने फिर टेबुलर मेथड पढ़ी। और उसके हमने सम्स क्या थे? टेबल वाले थे। वो 12th कॉमर्स वाले को बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो हमने करा। फिर हमने मॉड्यूल्स और इंटरवल्स किया, इंटरवल्स नेबरहुड किया, मॉड्यूल्स और नेबरहुड किया। और हमने बाद में क्या कर दिया? हार्ड सम्स आते हैं वो हमारे लास्ट में बाकी है। जो हमारे जो लास्ट में हार्ड सम्स है वो हम अब क्या करेंगे दोस्तों? करवाएंगे, जिससे हार्ड सम्स में आपको इजी से आ पाएगा। तो इसका अब मैं लास्ट लेक्चर, उसके बाद हमारा लिमिट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो लास्ट में दोस्त जाते जाते KB कॉमर्स नोट्स, ये हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है। आप हमारी चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो मत भूलिए, क्योंकि आपके दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और 100% ये कोरोना के टाइम में बिना ट्यूशन वो फ्री में एजुकेशन पढ़ पाएगा। तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिए आपके क्लास वाले स्टूडेंट्स को। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन वो लोगों को बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।